नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। तो मैं श्याम बचौरी सर आपको आज क्लास 11th का मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ। सबसे पहले हमने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया, इंटीग्रेशन पढ़ा दिया, लॉग बता दिया, बाइनोमियल बता दिया। आप क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। फॉर्मूला है जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है इसको। देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या करें, आप एक काम करो, जी एम एम को बाहर निकाल दें और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कर दें। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। कौन सा इंटीग्रल है ये, डेफिनेट इंटीग्रल। एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया हमने एक्स की पावर एन वाला। ये हो गया जी एम एम -1 / x आ जाएगा इन्फिनिटी से r, बट पुट कर दो लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन का, आपने देखा होगा x की पावर n प्लस वन प्लस एन प्लस वन, तो n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा मेरा माइनस जी एम एम अपॉन x। ठीक है, x मत करो, इसको ऐसे कर लेते हैं 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। इट बिकम माइनस जी एम एम बाय आर। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप ये ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे, जब ग्रेविटेशन और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से। ये इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें ये करना है कि हमारे पास टाइम की इक्वेशन है, एक टाइम की इक्वेशन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है बेटा, आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। करें एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करेंगे, एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, इस इक्वेशन को आप क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर लें, ऐसे कर लें। देखो डी टी बाई डी एक्स is equal to 2 alpha x plus beta। ठीक है, d by dx कर दिया हमने, x square का होता है 2x और beta x का x, beta बचेगा। ठीक है, इसको क्या करें, ऐसे कर दो 1 upon v is equal to 2 alpha x plus beta। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो गई बेटा, वेलोसिटी आ गया मेरा 2 alpha x plus beta, वेलोसिटी आ चुका है, आ गया वेलोसिटी। अब एक काम करते हैं, ये सारे सवाल अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब एक काम करो, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv upon dt। ठीक है, या फिर ऐसे भी होता है एक्सेलरेशन का, एक फॉर्मूला हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो दो फॉर्मूले होते हैं एक्सेलरेशन के, एक तो होता है डी वी अपॉन डी टी, एक फॉर्मूला ऐसे निकाल लो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी और डी एक्स डी एक्स का कर लो मल्टीप्लाई, डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा वी डी वी बाई डी एक्स। वी डी वी बाई डी एक्स भी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। वो कर दे, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, वी डी वी अपॉन डी एक्स। v की वैल्यू क्या है, 1 upon 2 alpha x plus beta और d by dx of 1 upon 2 alpha x plus beta। ठीक है, इसको सॉल्व करना, पता है फॉर्मूला क्या आएगा, 1 upon 2 alpha x plus beta into, इसको हो जाएगा minus 1 upon 2 alpha x plus beta का whole square। याद है आपको 1 upon x का differentiation 1 upon x square होता है, इसको ऊपर ले जाओ यहाँ बचेगा 2 alpha। फॉर्मूला क्या आ गया, देखो ये हमारा v है, ये v स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया माइनस 2 अल्फा v क्यूब। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखो इसको v मान लिया, ये v स्क्वायर हो गया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है ये। चलो अब अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू, जल्दी से नोट कर लें, बहुत सिंपल सवाल है, एक तरीका और था, आप इसको टाइम के साथ रिस्पेक्ट में कर सकते थे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा और ये सिंपल मेथड है। चलो बेटा टाइम इसको जल्दी से नोट करें, हट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सेलरेशन दो तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी और दूसरा फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। चले अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास अगली क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू बीटा एक्स की पावर माइनस 2 है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, हेयर बीटा एंड एक्स आर कॉन्स्टेंट, दोनों कॉन्स्टेंट है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। आसान है, ऐसे तो आप कर नहीं सकते, बताओ क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, तो आप इससे लगाओ फॉर्मूले से,
एक्सेलरेशन किस निकालेंगे हम? देखो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला देखो जल्दी से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। वी की वैल्यू क्या है? बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन डी बाई डी एक्स ऑफ वी। वी मतलब बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन, ठीक है बेटा, बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन, ये माइनस टू एन बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन, ठीक है बेटा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। बस अब एक काम करो, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरा माइनस टू एन बीटा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस फोर एन माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग के जो मैथमेटिकल टूल के तीन लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट करें इसको, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आपको एक अगला सवाल कराते हैं, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, हटाएं इसको, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। क्या निकालना है आपको? फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आई थिंक डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करना है, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन वन एंड टू सेकेंड, एंड टू सेकेंड। देखो सबसे पहले वेलोसिटी से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वही डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो डी एक्स को सॉल्व करना है जीरो से एक्स, और ऐसे सॉल्व करना है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर फ्रॉम, इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, डी टी के रिस्पेक्ट में फ्रॉम वन से टू, वन सेकेंड से टू सेकेंड तक। ये तो हो जाएगा डी एक्स का एक्स ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस बी टी क्यूब बाई थ्री। फॉर्मूला वही लगाया हमने इंटीग्रेशन वाला, पुट कर दो अपर लिमिट वन टू वन टू, बस फॉर्मूला आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए बाई टू टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी बाई थ्री टू का क्यूब माइनस वन का क्यूब, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे बेटा, जितना भी सॉल्व करेंगे वही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जल्दी से नोट कर लें इसको, ठीक है। इससे क्या निकाल लिया हमने, इससे हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। जल्दी से नोट करें इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दो कार वाला। हमारे पास टू कार्स हैं, उनकी स्पीड देखी है, ठीक है, उनका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, स्पीड पता करनी है, ठीक है। हटा दें इसको जल्दी से, हटा देते, देखो इसको हटा रहे हैं। अगला सवाल देखो, थोड़ा वीडियो हम छोटा बनाते हैं क्योंकि अननेसेसरी आपका इंटरनेट भी वेस्ट नहीं होगा और आप बोर भी नहीं होंगे उससे, ठीक है। तो देखो हमारे पास टू कार्स हैं, टू कार्स ए एंड बी मूविंग विद एक्स टी इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और दूसरा वाई टी इज इक्वल टू हमारा है एफ टी, ऐसे एक्स टी मान लो, एफ टी माइनस टी स्क्वायर। फाइंड व्हेन बोथ द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, बोथ द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, कब दोनों कारों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। चलो सॉल्व करते हैं, एक काम करो दोनों को डिफरेंशिएट कर दो और बराबर कर दो, बताओ क्यों, तभी तो वेलोसिटी सेम होती है। वेलोसिटी सेम का मतलब क्या, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये कर दो भी, ये पी के ए के लिए है, बी के लिए देख लो, बी के लिए कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू ए प्लस टू बी टी, दूसरा velocity equal to f minus 2t, एक काम करो दोनों को बराबर कर दो, टाइम निकालना है, a plus 2bt equal to f minus 2t, ठीक है बेटा, इसको ले जाओ, 2t कौन आ जाएगा, b plus 2 बचेगा, 2t कौन आ जाएगा, 2t कौन आएगा तो नहीं, b plus 1 बचेगा यहाँ पर, इसको ले जाओ, ठीक है, ये और ये हो जाएगा f minus a, t की वैल्यू क्या होगी, f माइनस ए अपॉन टू बी प्लस वन,
चेक करना, आई थिंक यही आंसर होगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दिक्कत होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान सा सवाल है, जल्दी से सॉल्व करें। क्लियर एवरीवन? ध्यान दो। चले अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा वाला, आपको एक इंडिकेट करके दिखाते हैं क्वेश्चन को। बताते हैं बेटा इसको जल्दी से नोट कर लें इसको। ये हमारा मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हमने आपको 5-6 क्वेश्चन बताए हैं इसके ऊपर, जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर। चले बेटा नेक्स्ट बताते हैं। चलो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में, तब भी आप देख लो उसको। देखो साइन स्क्वायर को लिखते हैं मान -cos2ωt/2 0 से π/2। ठीक है, क्या π/2 बोल दो या t/2 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो तो बाद में देखेंगे। 1/2 या फिर dt कर लो, 1/2 dt 0 से π/2 मत करो, t/2 करके देखो हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल कर लो, अभी देखो समझ में आएगा आपको कैसे किया। 1/2 dt माइनस 0 से t/2 cos2ωt (dt). चलो ये 1/2 बाहर ले लो, ये कितना बचेगा, ये बचेगा t/2 माइनस 0 से t/2, ये cos ωt का क्या होता है, ये हो जाएगा sin2ωt अपॉन 2ω 0 से t/2। ये तो हो जाएगा t/4 माइनस 1/2ω बाहर निकाल लो, sin2 × 2π/t (t/2 माइनस sin 0 × 0 घटा दो, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 बचेगा, ये फुल 0 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, t/4 क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा चेक कर लो जल्दी से, कोई दिक्कत तो बताएं मुझे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन क्या कर लिए हम लोगों ने, सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।